अचानक अमरीकी यूनिवर्सिटीज में फलस्तीनियों के हक में लगने वाली खेमा बस्तियाँ दुनिया के दीगर ममालिक की जामियात तक कैसे फैल गयी। फ्रांस, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तक मजलूमों के हक में मुजाहरे हैं। हर तरफ एक ही आवाज है और इसे दबाने के लिए सरगर्म एक ही जाबिर ज़हनियत। लेकिन ये सब अचानक नहीं हुआ। अक्टूबर 2023 के वाकयात के साथ ही अमेरिका की मशहूर जमाना कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एहतजाज शुरू हो गया, जिसके नतीजे में 12 अक्टूबर को ये यूनिवर्सिटी बंद कर दी गई। नवंबर में यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने स्टूडेंट्स फॉर जस्टिस इन पैलेस्टाइन और ज्यूइश वॉइस फॉर पीस नामी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस पर पाबंदी लगाकर हालात कंट्रोल करने की नाकाम कोशिश की। फलस्तीनियों के हक में निकलने वाली यूनिवर्सिटी तलबा की रैली पर जब इसराइली हिमायती अनासिर ने मिर्चों और बदबूदार केमिकल से स्प्रे कर दिया तो हालात कशीदा होने लगे, जिस पर एक्शन लेते हुए गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 2024 में फलस्तीनी हिमायती स्टूडेंट्स ने मुनफरिद और पुरअमन एहतजाज का एक नया रास्ता ढूंढ निकाला। यूनिवर्सिटी लॉन में खेमा बस्तियों का शहर आबाद कर दिया। मजलूम पनाह गुजीन फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के तौर पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तलबा अपने घर छोड़कर इन खेमा बस्तियों में आबाद होना शुरू हो गए। एहतजाज का यह तरीका इतना मकबूल हुआ कि देखते ही देखते अमरीका की कई यूनिवर्सिटीज में ऐसे एहतजाजी शहर आबाद हो गए। अमरीका की ज़ायनिस्ट लॉबी को खेल अपने हाथों से निकलता महसूस होने लगा और इसी दबाव के नतीजे में अमरीका की मुतअद्दिद यूनिवर्सिटीज के सरबराहान को या तो अपने ओहदे से हटा दिया गया या इनको रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन कोलंबिया यूनिवर्सिटी की ये एहतजाजी खेमा बस्ती बढ़ती गई और इसे कंट्रोल करने के लिए 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क पुलिस को 1968 के बाद पहली बार यूनिवर्सिटी कैंपस में दाखिले की इजाजत मिली। पुलिस ने मजलूम फलस्तीनियों की आवाज बनने वाली स्टूडेंट्स की खेमा बस्ती उखाड़ फेंकी। 108 तलबा को गिरफ्तार कर लिया। जब तलबा अदालत में पेश हुए और उन्हें रिहा कर दिया गया तो उसी वक्त उन्होंने वो खेमा बस्ती फिर आबाद कर दी। लेकिन इस तशद्दुद और गिरफ्तारियों की खबर ने इस खेमा बस्ती एहतजाज को अमरीका के दूसरे शहरों तक फैला दिया। सोशल मीडिया पर खबर फैली तो यूरोप से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मजलूमों की आवाज बनने लगे और अपनी यूनिवर्सिटीज में सदाए एहतजाज बुलंद करना शुरू कर दिया। कोया जब मुस्लिम हुक्मरान फलस्तीनियों की जारी नस्ल कुशी पर चुप साधे बैठे हैं, बल्कि अपने मुल्कों में होने वाले एहतजाज पर पुलिस गर्दी कर रहे हैं, और जब हमारे मुल्कों में अवाम अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज उठाना कम करते जा रहे हैं, ऐन उसी वक्त मजलूमों के लिए ये आवाजें उन जगहों से उठ रही हैं जहाँ से किसी ने गुमान भी नहीं किया था, और उसे उठाने वाले ईसाई भी हैं, यहूदी भी हैं और मुलहिद भी। यानी पासवां मिल गए काबे को सनम खाने से। वमकरू वमकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो अपनी चालें चल रहे थे और अल्लाह अपनी चाल चल रहा था, और अल्लाह सबसे बेहतर चाल चलने वाला है।